रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में रामगंगा नदी किनारे तीन बाघों के प्लास्टिक खाने का एक फोटो सामने आने से अफसरों में खलबली मच गई है। फोटो में दो बाघ प्लास्टिक की बाल्टी को खाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है, इसके बाद भी ये बाघ प्लास्टिक की बाल्टी खाते हुए नजर आए हैं। साथ ही अधिकारी ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाल्टी में ऐसा क्या था जो बाघ खा रहे हैं। मामले में सीटीआर निदेशक ने जांच के आदेश जारी किए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो बाघ है ये प्लास्टिक की बाल्टी को खाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तीन बाघ हैं और ये प्लास्टिक की बाल्टी को खाते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगर की तस्वीर है, जैसी ही तस्वीर चर्चा में आई है लोगों के अंदर और जो अधिकारी हैं उनके अंदर हड़कंप पहुंच गया कि आखिर बाघों तक प्लास्टिक कैसे पहुंची। वहीं हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ इस फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, पूरा मामला कैसे है, बाघों तक प्लास्टिक की बाल्टी आखिर पहुंची कैसे जब पूरे इलाके में प्लास्टिक प्रतिबंध किया गया है? देखिए, अभी तक इस बात का पता तो नहीं लग पाया, इस बात की जांच की जा रही है कि ये बाल्टी वहां कैसे पहुंची, लेकिन फोटो जो है वो एक पर्यटक ने जो सीटीआर निदेशक जो है राहुल उनको भेजी थी, जो पूरा का पूरा ये अगर कहा जाए कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते हैं उनको उन्होंने भेजी और उन्होंने इस पर हैरानी जताई कि आखिरकार ये जहां पर बाघ रहते हैं इतने अंदर ढिकाला जून के अंदर ये बाल्टी पहुंच कैसे गई, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो प्रतिबंधित जोन होता है, प्लास्टिक का वहां पर प्रयोग होता ही नहीं है। ऐसे में पूरा अधिकारी महकमा जो वन विभाग का है और कॉर्बेट नेशनल पार्क का है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये बाल्टी वहां कैसे पहुंच गई, और सबसे बड़ी बात ये है कि शेरों तक कैसे जो वहां पर जो बाघ हैं उन तक कैसे पहुंच गई। तो इसकी जांच जो है वो सीटीआर निदेशक ने यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक ने उप निदेशक को सौंपी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कार्बेट नेशनल पार्क के बाघ हैं उनकी सेहत से खिलवाड़ जरूर है। अब क्योंकि इन तमाम चीजों पर नजर रखने की जिम्मेदारी कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन की है। अब अगर ये प्लास्टिक खाने की वजह से इन दो बाघों में को कुछ होता है तो ये एक बड़ा नेशनल इशू बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको देखते हुए तभी सबके हाथ खुले हैं और ये फोटो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है और उसके बाद से ये जांच के आदेश दिए गए हैं। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।